मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में गरीब परिवार की रोजी रोटी के साधन को बुलडोजर से रौंद दिया गया। इस दौरान नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। 10 रुपए में 4 समोसे बेचने वाले 3 भाइयों के ठेले को नगर निगम के अमले ने जेसीबी से रौंद दिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जबलपुर के कोतवाली थाने के सामने एक परिवार समोसे का ठेला लगाता है। नगर निगम के दस्ते के द्वारा कोतवाली क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। निगम का अतिक्रमण दस्ता कार्रवाई करने के लिए कोतवाली थाने के सामने पहुंचा, तभी समोसे का ठेला लगाने वाले उसे तुरंत अंदर कॉलोनी में ले गए। इससे गुस्साए निगम के कर्मचारियों ने कॉलोनी के अंदर से ठेले को बाहर निकाला और सड़क पर उसे ले गए और ठेले को कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन नगर निगम कर्मचारी और पुलिस के सामने किसी की भी नहीं चली। दरअसल आपको बता दें कि जबलपुर नगर निगम प्रशासन इन दिनों शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस दौरान नगर निगम दस्ते की गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है। कोतवाली इलाके में समोसे बेचने वाले के ठेले को नगर निगम के अमले ने जेसीबी से चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, जब ठेला लगाने वाले परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो नगर निगम ने तीनों ही भाइयों को जेल पहुँचा दिया। वहीं अब नगर निगम के अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।